Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. Because this topic is very intense and we need proper one last song, but this is the most intense song. Bahut sundar geet hai Bhagwan Thakur ka. Durlabha manav janma lobhiya sansari. दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण न बजिनो दुख कहीं बोकारे. दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण न बजिनो दुख कहीं बोकारे. संसार संसार करे मिचे गेलो काल लाभ ना कोईलो किचु गतिलो जंजाल. संसार संसार करे मिचे गेलो काल किशेर संसार छायाबाजी प्राय इहाते ममता कोरी वृता दिन जाय. किशेर संसार छायाबाजी प्राय याते ममता कोरी वृता दिन जाय. ए देह पतन होले तिरोबे अमार केहो सुका नाही दीबे पुत्र परिवार. केहो पतन होले तिरोबे अमार दीबे पुत्र परिवार. गर्दा बेरा मत्ता आमी तोरी परिश्रम कार लागी एत करी नागुची लो ब्राह्म. गर्दा बेरा मत्ता आमी कोई परिश्रम कर लागी ऐसा करी नागुची लो ब्राह्मण. दिन जाय मेटा काजे निशा निद्रा बाशे नाही बावी मराना निकटे आजे बोशे. दिन जाय मिच्छा काले निशा निद्रा बाशे नाही बावी मराना निकटे आजे बोशे. मालो मंद काई हेरी परी चिंता ही नाही बावी ए देह चाड़ी बोको नदीनालो मंद काई तेरी
चिंता विराट जागी हृदय मोरा बुद्धि करी हाटा जागी चेदाये मोरा बुद्धि करी हाटा हाय हाय नाही पावी अनित्य ऐसा जीवन विघटे कोता रोही बे वही हाई हाई नाही अनित्य ऐसा जीवन विघटे कोता रोही बे वही शमशाने शरीरा कोड़िया रही बे विहंगा पतंगा नाया विहार कोरी बे मामा विहंगा पतंगा नाया बिहार घोरी बे उपरा श्रृंगाला सबा आनंदित ये महोत्सव कोरी बे अमर देह लये उपरा श्रृंगाला सबा आनंदित ये महोत्सव करी बे अमर देह लाये यदि रही कति तारा अनुगत संसार वै बाबार बंधु जन जाता देव तारा अनुगत संसार वै बाबार बंधु जन जाता अतएव पाया चाड़ी बुद्धिमाना नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधाना चाड़ी बुद्धिमाना नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधाना दुर्लभ मानवा लबिया संसारे कृष्ण ना बजीनो दुख कही वो कहारे दुर्लभ मानव जन्मा लबिया संसारे कृष्ण ना बजीनो दुख कही वो कहारे भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं दुर्लभ मानव जन्म लबिया संसारे हमको ये दुर्लभ मानव जन्म मिला है और ये जन्म से हम एक्चुअली सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं ये संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं फिर भी हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य है हम ये दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हम कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे कृष्ण ना भजीनो दुख कही वो कहा रहे तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर का ये नम्रता है तो जैसे हम वर्णन कर रहे हैं महान भक्त होते हैं वो नम्र होते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से भगवान मुझे मनुष्य जन्म मिला है कृष्ण का भजन मैंने आपका भजन नहीं किया किसको जाके मैं अपना दुख का कहानी बताऊं संसार संसार कोरे मिचे गेलो काल
समय चला गया है दुनिया में, मिचे गेलो काल, टाइम वेस्ट हो गया, समय बीत गया, क्या करते करते संसार संसार करते करते लोग हरे कृष्णा जप नहीं करते, लोग संसार संसार जप करते हैं, ठीक है नहीं। श्रील प्रभुपाद का बहुत फेमस पेंटिंग है, कार्टून, एक भक्त जाके किसी को बोल रहा है चैंट चैंट चैंट, वो माता जी बोलती है कांट कांट कांट। अभी चैंट और कांट बोलने में उतना एनर्जी जाता है, है कि नहीं, और लोग करना नहीं चाहते, ये दुनिया में जप नहीं करना चाहते हैं, ये दुनिया की चीजों के प्रति ये दुनिया की चीजों का नाम श्रवण कर कीर्तन करते रहते हैं। लोग भी करते हैं वही कार्य जो भक्ति है नौविधा, लोग भी करते हैं ये दुनिया की चीजों के प्रति, दुनिया की चीजों के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, इस तरह से व्यक्ति का समय बीतता जाता है। संसार संसार को रे मिचे गेलो काल, लाभ ना कोई लो किचू गंती लो झंझाल। तो संसार संसार करते करते समय चला गया है और कुछ गेन नहीं है, नो टैंजिबल गेन, ठीक है। संसार संसार आपने कर लिया, हाथ में कुछ मिलेगा तो भी ठीक, पर हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। लंका का रावण, लंका वहीं पर रह गया, रावण चला गया, लेकिन हम जो करते हैं वो यहीं पर रहेगा, हम आगे जाएंगे हाथ में कुछ लेके नहीं जा पाएंगे। लाभ ना कोई लो किचू गंती लो झंझाल, और व्यक्ति फंसता है और मुश्किलें प्राप्त करता है। झंझाल इज बॉदरेशन, ओनली ट्रबल। इस संसार का भजन करने से सिर्फ ट्रबल ही मिलता है, कृष्ण का भजन करने से ट्रबल से मुक्ति मिलता है। कृष्णेर संसार एई किशेर संसार एई चाया बाजी पराय, इहाते ममता कोरी वृता दीना जाए। तो भक्तिविनोद ठाकुर भगवान से बोल रहे हैं, भगवान ये कौन सा संसार आपने बनाया है, छायाबाजी प्राय, एक मैजिक शो की तरह दिखता है। लेकिन ये संसार भगवान का माया शक्ति इतना शक्तिशाली है, व्यक्ति को कंप्लीटली इसी में यू नो माया देवी लोगों को आकर्षित करती रहती है। लोग ये मैजिक शो को छोड़ना ही नहीं चाहते, जैसे मूवी चलता रहता है लोग देखते रहते हैं, पर मूवी और असलियत में कुछ कनेक्शन नहीं है। तो ये संसार एक मूवी की तरह है, हम इतना घुस चुके हैं ये मृत्य संसार में, माया के अलग अलग मैजिक शो में, समय बीत गया। इहाते ममता गोरी वृता दीना जाए, ममता मतलब अटैचमेंट, इससे हमारा प्रेम उत्पन्न हो रहा है। जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करके लेके जा रहे हैं, उस समय बलराम जी आते हैं और रुक्मिणी मैया को तत्व ज्ञान देते हैं, और बलराम जी बताते हैं रुक्मिणी तुम अपने भाई के प्रति बहुत आसक्त हो, रुक्मिणी के प्रति ये आसक्ति छोड़ो, क्योंकि ये दुनिया में हम आते हैं अलग अलग संबंध बनाते हैं, ये मेरा है, मेरा है, ममता, वी बिकम अटैच्ड टू इट, बट एक्चुअली ये दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज आवर्स, कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है। तो ये दुनिया के प्रति आसक्ति के साथ हमारा समय बीतता रहता है विदाउट एनी पर्पस। ए देहो पतन होइले की रोबे अमार, केह सुख नाही दीबे पुत्र परिवार। तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं यहाँ पे, जब ये शरीर का अंत होगा तब हमारा क्या होगा, वॉट इज गोइंग टू बी आर्स, कुछ भी हमारा नहीं होने वाला है। केह सुख नाही दीबे पुत्र परिवार, तो समय पुत्र परिवार कोई भी हमको सुख नहीं दे पाएगा, है कि नहीं। बलराम जी रुक्मिणी मैया को उदाहरण देते हैं, सूरज जो है, सूरज का किरण एक जगह पे प्रकाशित होता है, सूरज के किरण से बहुत सारी चीज उगते हैं, पर सूरज जब वहां से डल जाता है, सूरज कहीं और पे उगता है, वो चीज वहां पे रहता है, तो सूरज का के साथ उसका कुछ कनेक्शन नहीं है। तो वैसे ये शरीर में आके हम बहुत सारा बिल्डिंग, कारोबार, एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं, तो जब व्यक्ति चला जाता है वो सब वहां पे रहता है, पर वो आगे चला गया। तो ये दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति हमको एक्चुअल आनंद नहीं देगा। गर्दा बेर मत आमी परी परिश्रम, नाही भावी मरण निकट, सॉरी कार लागी एत करी ना गुचीलो ब्रह्म। तो व्यक्ति गधे की तरह मेहनत करता है, वर्किंग लाइक अ डोंकी, गधे की तरह मेहनत करते हैं दुनिया की चीजों के लिए, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं पता नहीं, और हमारा भ्रम भी नहीं जाता, वी गेट मोर एंड मोर इल्यूजन। तो इसलिए रूप गोस्वामी उनके उपदेश अमृत को बताते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौल्यम च षड्वीर भक्तिर विनश्यति। तो ये छह चीज भक्ति का नाश करेगा, और उसमें एक है अत्याहार प्रयासश्च एंडेवर, बहुत ज्यादा ये दुनिया की चीजों के प्रति मेहनत नहीं करना है। जो हम मेहनत ये दुनिया की चीजों के लिए कर रहे हैं, उससे थोड़ा कम मेहनत भी हम कृष्ण के लिए करेंगे ना, हम भगवान के बहुत महान भक्त बनेंगे।
तो जैसा ही प्रभु जी ने ये सेशन अरेंज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि जितना हम भगवान के बारे में, भगवान हरिनाम के बारे में सुनेंगे, अपने आप को रिमाइंड करेंगे, तभी हम कर पाएंगे। हमको परिश्रम करना ही है, तो जो इटर्नल चीज है वो प्राप्त करने के लिए करना है। भागवतम वर्णन करता है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग नहीं, जीवन का लक्ष्य तत्व जिज्ञासा, वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए जिज्ञासा करना है। सो वी शुडंट वेस्ट टाइम इन थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, गधे की तरह दुनिया में मेहनत नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा हम ये दुनिया में फंसेंगे। दिन जाय मिचा काजे निशा निद्रा बसे नाही बावी मरण निकट आचे बसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं, दिन चला जाता है मिचा काजे, काजे का अर्थ बिजनेस कार्य, मिचा करते यूजलेस, हमारा दिन चला जाता है टाइम पास में, टाइम पास करते रहते हैं, एक्चुअली हम टाइम पास नहीं कर रहे, टाइम हमको पास कर रहे हैं। दिन जाए मिचा काजे, यूजलेस कार्य में हम समय वेस्ट करते हैं, और रात चला जाता है नींद में, निशा निद्रा बसे नाही भावी मरण निकट आचे बसे। कभी भी ये भाव नहीं आता, विचार नहीं आता कि मृत्यु हमारे निकट आके बैठा है, दूर नहीं है, मृत्यु हमारे साथ चलता रहता है। कहीं पे शास्त्रों में वर्णन है, हमारे शिका पकड़ के, बाल पकड़ के चलता है मृत्यु, सही समय पे मृत्यु वार करेगा। सो राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं, ये बहुत फेमस कोट है महाराज का, महाराज बताते हैं दो चीज का हमेशा स्मरण करना है और दो चीज को भूल जाना है। कौन से दो चीज को भूलना है? जो हमने दूसरों के प्रति उपकार किया है वो भूल जाना है, और दूसरों ने जो हमको कष्ट दिया है वो भूल जाना है। और दो चीज का हमेशा स्मरण करना है, पहला डेथ विल कम एट एनी टाइम, मृत्यु कभी भी आएगा, ये भाव रहेगा ना जब अच्छा होगा, जब करने का। मैं आप लोगों को एक बहुत सुंदर टेक्निक, बहुत कुछ टेक्निक मैंने ऑलरेडी दे दिया है, पर ये एक टेक्निक है। टेक्निक क्या पता है? अपने आप को बोलना है आज मेरा अंतिम दिन होगा, हो भी सकता है टुडे इज माय लास्ट डे। इमेजिन करो कृष्ण ने आपको बताया है आज आपका अंतिम दिन है जिंदगी भर, जब अच्छा नहीं हुआ अंतिम दिन में आप अच्छा जब करेंगे कि नहीं? लास्ट डे एटलीस्ट यू विल चैंट, जिंदगी भर जो जब किया वो उससे भगवत धाम जाएंगे कि नहीं पता नहीं, अंतिम दिन में तो जो जब करेंगे ध्यान से उससे तो जाएंगे। तो दिस शुड बी अवर मोड, जब करते हुए ये विचार रखिए, मैं बोल रहा हूँ बट आई हैव टू ऑल्सो प्रैक्टिस इट, बोलने से ही हम यू नो वी कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्फ। तो ये जो सत्र है जब प्रभु जी ने जपा रिफ्लेक्शंस बोला, ऐसा नहीं कि मेरा जपा बहुत अच्छा है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर मैं प्रभु जी को बोला डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि बात करने से अपने आप को लाभ मिलता है, यू गेट बेनिफिट जपा में। बाकी सब चीज में व्यक्ति एक्सपर्ट हो सकता है, कथा करने में, कीर्तन करने में, मैनेजमेंट में, पर जपा पे एक्सपर्टीज इतना आसानी से भगवान नहीं देते। तो अपने आप को याद दिलाना है दिस माइट बी अ लास्ट डे, आज मेरा अंतिम दिन होगा। तो राधानंद महाराज बताते हैं टू थिंग्स टू रिमेंबर, डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट, देयरफॉर चैंटिंग हरे कृष्णा इज द ओनली रियलिटी, नाही भावी मरण निकट आचे पोचे। मुझे कभी भी समझ में नहीं आता, भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मृत्यु मेरे पास आके बैठा है, भालो मंद काई हेरी परी चिंता हीन नाही भावी हे देहो चाड़ी को कोन दे। हम इतना केयर फ्री लाइफ स्टाइल जीते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, घूमते हैं, ये करते हैं, सब करते हैं विदाउट एनी एंग्जाइटी, चिंता ही नहीं है, कभी हमारे मन में यह भाव नहीं आता बाबा ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, ये शरीर को हम सजा रहे हैं, शरीर को खिला रहे हैं, शरीर को वस्त्र पहना रहे हैं, ये शरीर इटर्नल नहीं है, नाही पावी ए देहो चाड़ी वो कौन दिन। हमको कभी स्ट्राइक नहीं होता ये शरीर को त्याग के जाना पड़ेगा। देहो गेहो कलत्रादि चिंता अविरट जागीचे हृदय मोर बुद्धि करी हट। भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं हमेशा हम कृष्ण के बारे में चिंतन नहीं आता, हमको चिंतन ये दुनिया की चीजों के बारे में आता है। जब करते हुए चिंतन क्या आता है? घर का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, शरीर को रोग है, मुझे जाके सोना है, खाना है, और विचार परिवार का आता है, पत्नी का, बच्चे का, यही सब विचार। जागीचे हृदय मोरे बुद्धि करी हट, और ये सब विचार हमारे बुद्धि को नष्ट करते हैं, मन कृष्ण में लगता ही नहीं। हाय हाय नाही भावी अनित्या है सब जीवने विगटे कोता रोही बे वैभव। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे अलास मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ अनित्य है, नाही भावी अनित्य है सब, अरे जिंदगी ही नहीं बचने वाला,
वैभव क्या बचेगा, घर अलग अलग चीज क्या बचने वाला है, जिंदगी प्राणी नहीं रहने वाला है। शमशान शरीर मम पड़िया रहीबे विहंग पतंग तार विहार करीब। जब ये शरीर का अंत होगा और ये शरीर को शमशान में फेंका जाएगा, तब शरीर को इधर जलाया जाता है और पशु पक्षी इत्यादि आके खाते हैं, जैसे पारसी धर्म में होता है, विहंग पतंग ताए विहार कर। तो ये शरीर का एक ही लाभ है, बाकी लोग इसमें आनंद लेंगे बस उतना ही, हम तो कितना आनंद लेंगे वो पता नहीं, बाकी लोगों को बहुत आनंद लेंगे। कुकुर श्रगल सब आनंदित हय महोत्सव करीबे अमार देह लय। जब शरीर का अंत होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिंदगी देखने का एक अलग ही पहलू है। जब व्यक्ति मर जाता है, उसके घर के लोग सब रोते हैं, अरे चला गया चला गया, और कुत्ते सब फेस्टिवल मनाते हैं, आ गया फीस्ट आ गया। वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। मैं कल चैतन्य चरितमृत का ये प्रसंग है, जब सनातन गोस्वामी वाराणसी पहुंचते हैं, महाप्रभु से मिलते हैं, सनातन गोस्वामी के ब्रदर इन लॉ श्रीकांत ने उनको एक कीमती कंबल दिया था। सनातन गोस्वामी वो कंबल स्वीकार करके महाप्रभु के पास जाते हैं और मधुकरी करते हैं घर घर में जाके। तो महाप्रभु वो कंबल की ओर घूर घूर के देखते हैं, सनातन को लगने लगता है महाप्रभु को ये कंबल अच्छा नहीं लग रहा। तो सनातन गोस्वामी गंगा के घाट में एक साधु बंगाली साधु अपना फटा हुआ कंबल धो रहा था। सनातन गोस्वामी उसको बोलते हैं, मेरा कीमती कंबल ले लो, आपका फटा हुआ कंबल दे दो। वो ये किसको लगता है, पहले सनातन मजाक कर रहे हैं, पर बोलते हैं नहीं नहीं मैं एक्चुअली बोल रहा हूं। तो सनातन गोस्वामी उनका कीमती कंबल दे देते हैं और ये साधु से उनका फटा हुआ कंबल लेते हैं। दोनों खुश हो गए, सनातन गोस्वामी खुश हो गए, फटा हुआ कंबल मिल गया, अभी मैं एक्चुअल वैराग्य का पालन कर रहा हूं, महाप्रभु प्रसन्न होंगे। और ये जो साधु है वो प्रसन्न हो गए, फटा हुआ कंबल चला गया, कीमती कंबल मिल गया। भगवान ना ऐसा मैच कराते हैं, वन मैन्स फेलियर इज अनदर मैन सक्सेस, राइट। तो हर व्यक्ति को, सनातन गोस्वामी को उनका मिल गया, इसको इसका मिल गया। तो व्यक्ति जब चला जाते हैं, रिश्तेदार सब रोते हैं, पर कुत्ते सब खुशी खुशी मनाएंगे, मिल गया फीस्ट आनंद महोत्सव करीबे अमार देह लय। विल बिकम वेरी वेरी हैप्पी। जे देहेर ए गति तार अनुगत संसार वैभव आद बंधु जन जन। तो भक्तिविनोद ठाकुर कंक्लूड करते हैं, ये शरीर का जो अंत होगा, मतलब शरीर को जलाया जाएगा या कुत्ते जो गीत है कहेंगे, ये ही अंत तो दुनिया की चीजों का भी होगा, हमारे रिश्तेदारों का भी होगा। Everyone will have to go. हर व्यक्ति को जाना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, वानप्रस्थ के रूप में, वो एक भजन लिखते हैं, वृंदावन भजन, बहुत सुंदर इंग्लिश में। प्रभुपाद लिखते हैं, कहाँ गए मेरे माता पिता, वेर आर माई पेरेंट्स, कहाँ गए मेरे रिश्तेदार, मेरा इतना बड़ा सक्सेस था, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, कोई नहीं है, मैं अकेली रह गया दुनिया में, संसार वैभव आर बंधु जन। इसीलिए कंक्लूजन है, लास्ट वर्स इज द कंक्लूजन फॉर दिस सॉन्ग। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान। तीनों ठाकुर बोल रहे हैं, हे बुद्धिमान माया मोह त्यागो। और अगर हम एक्चुअली बुद्धिमान है, प्रॉब्लम क्या है, बुद्धिमान नहीं है, अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं पर हम एक्चुअली बुद्धिमान नहीं है। अगर हम बुद्धिमान होंगे तो ये माया मोह को त्यागेंगे, जैसे हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी, इन सभी लोगों ने त्यागा है। विल गिव अप मटीरियल प्लेजर्स, ये बुद्धि का लक्षण है। नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान, ये दुनिया के चीजों को छोड़ना है, एनीवे टेम्पररी है, पकड़ के रह के कुछ फायदा नहीं, ज्यादा पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो हमको गंभीरता से सीरियसली लेना है कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन और हरि नाम का जप। तो इस तरह से मैंने ये सॉन्ग क्यों चुना, क्योंकि जप करते हुए बहुत सारे भौतिक चीजों के बारे में विचार आते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, भौतिक चीजों के बारे में विचार एक बलून की तरह है, और ये जो सॉन्ग है ना एक पिन की तरह है, ये बलून को उड़ाएगा। जब हम जप करते हैं बहुत बड़े बड़े विचार आते हैं, ये वो, सो मेनी डिजायर्स दैट कम, ये एक पिन लेके चलेंगे, ये दुनिया में जो भी इच्छा है, मन जो भी बोल रहा है ये करना है वो करना है, सब टेम्पररी है। तो ये वैराग्य के पिन से अगर हम भक्ति करेंगे, एवरीथिंग इज टेम्पररी, हम एक्चुअली जप पे हम फोकस कर पाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द रिफ्लेक्शंस फॉर जप। आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत आप सब लोगों को मदद करेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू
थैंक यू भी एक्चुअली कम है व्हाट एवर वी से बिकॉज इतना अच्छा जो जैसे आपने बोला ये जो प्लांट्स के हमारे जो गुब्बारे हैं हम लोग लेके घूमते रहते हैं तो ये पिन अपने साथ में रहेगा तो वी कैन कीप ऑन इन गुब्बारों को हम लोग फोड़ते रहेंगे और आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस बलून्स ओनली वी आर नॉट एबल टू चैंट प्रॉपरली बिकॉज हम लोग का इतना प्लान रहता है हमें ये करना है वो करना है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन आवर चैंटिंग सो दैट वॉज वन नाइस थिंग एंड टू गो एंड दूसरा चीज ये भी था कि एक रियलाइजेशन मुझे ये हुआ आपके क्लास से कि जनरली लोग जो हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाते हैं तो वो मैं कैसे अच्छे से जप करूँ मुझे क्या करना चाहिए स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री बट एक्चुअली इट्स ओनली लॉर्ड्स मर्सी अगर जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा अच्छा जप नहीं है हम लोग सोचते हैं मैं ये करूँगा तो जप करूँगा लेकिन बट विदाउट लॉर्ड्स मर्सी तो उसके लिए हम लोग को बहुत ही हम्बल बहुत ही सिंसियर होना चाहिए एंड दैट वॉज वेरी नाइसली प्रेजेंटेड सो थैंक यू प्रभु अगर आपके पास टाइम है तो इफ सम डिवोटीज हैव सम क्वेश्चंस वी कैन टेक दैट प्रभु Yes, definitely. Thank you, Prabhu. Namat Pranam. That's a very main and bahut acha topic hai and I'm sure some devotees will have questions. Hare Krishna, so please start raising your hands if anybody has some questions or any comments. Hare Krishna. Yeah, Ranganath, Prabhu ji, you want to say something? Ranganath, Acharya Prabhu ji. Okay, Hemangini Mataji. Hare Krishna Prabhu ji, Pranam. सभी को अनंत प्रणाम प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास था आपने तीनों भी जो भजन आज गाए उसको एक्सप्लेन किया एक एक वर्स एक एक लाइन को वेरी ब्यूटीफुल प्रभु जी आज एकादशी के दिन में हमें तो ये ट्रीट मिल गया प्रभु जी अच्छे से तो माँ एकादशी हमारी शुरुआत आज अच्छे से हो गई प्रभु जी ये पूरा भक्ति विनोद ठाकुर और आपने जैसे कहा कि आचार्यों के भजन के माध्यम से हम और ज्यादा हमारा जपा इम्प्रूव कर सकते हैं हमें उसको ज्यादा सुनना है प्रभु जी मेरा ऐसा सवाल था कि हम जब तो करते हैं प्रभु जी लेकिन थोड़ी देर तक हमारा माइंड सेटल रहता है हमें वो रियलाइजेशन रहता है कि आज हमने ये सुना है या फिर हमें करना है एक माला दो माला फिर भी धीरे धीरे फिर से वो माइंड कहीं ना कहीं चला जाता है फिर इट टेक्स टाइम अगेन कि हमें रियलाइज होते हुए कि ये मेरी दो माला ऐसे चली गई है फिर हम कहीं जाके उसको फिर से रियलाइज करने की कोशिश करते हैं तो प्रभु जी ये चक्र हमें रोज का होता है ऐसे नहीं कि आज अच्छी हुई तो पूरी की पूरी सोलह माला कभी अच्छी नहीं हो पाती प्रभु जी तो आप उसके लिए क्या कैसे मतलब उसको याद रखें प्रभु जी हरे कृष्ण दिस इज अ चैलेंज हम जानते हैं पर उस समय इट डजंट वी नो थिंग्स बट एट दैट पॉइंट इट डजंट हेल्प अस तो आई थिंक अगर जब मन बहुत ही भाग रहा है मेनी डिवोटीज बिफोर दे चैंट 16 राउंड्स थोड़ा बहुत प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ते हैं या एक ना भजन के अर्थ के ऊपर चिंतन मनन करते हैं एंड देन दे स्टार्ट सो यू कैन ट्राई दैट बिफोर योर 16 राउंड्स इफ यू कैन वंडरफुल या अगर मन बहुत ही भाग रहा है प्रॉब्ली आफ्टर 4 राउंड्स जस्ट टेक फ्यू मिनट्स टू जस्ट मेडिटेट ऑन समथिंग एंड देन जस्ट गेट बैक टू चैंटिंग पर किसी न किसी प्रकार से समवे और द अदर वी हैव टू ट्राई टू पुट आवर हार्ट इन टू चैंटिंग हमारे हृदय को थोड़ा जप में डालने का प्रयास करना है I think that is important. अगर वो करेंगे ना then we would focus. Right? So, जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं मन का स्वभाव है मन भागेगा Naturally the mind will go. वो mind का quality है but we have to somehow try to get it back. Some way or the other. Either नाम सुनना you hear the holy name थोड़ा जोर से जप करना bring the mind back. हरे कृष्ण उसको केंद्रित कीजिए सामने महामंत्र का चित्र रखिए that may work sometimes. Sometimes just meditating on one bhajan before you chant your like 4 rounds together that may also help you. Yeah. So जैसे होता है ना जब योद्धा जाता है युद्ध करने के लिए उसके पास बहुत सारे अलग अलग अस्त्र होते हैं you know कभी ये काम में आया कभी वो काम में आया so like that japa is something like that
So these are the different options. Like Vaishnava bhajans is one thing that you could take shelter of during Japan, even otherwise throughout the day. उसके साथ साथ हरिनाम कार्ड होना, एक मंत्र ध्यान से सुनना, ना तुलसी के सामने बैठ के जप करना, भक्तों के संग में बैठना. सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन यूज टू योर वॉट एवर वर्क्स एट दैट पॉइंट. तो कभी दिन में कभी मन का ऐसा मूड है ये नहीं चलता वो चलता है, दिस डजंट वर्क. सो यू शुड हैव ऑल दीज ऑप्शंस ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. यस प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कभी ये चलता है कभी वो चलता है, मतलब यू कांट फोकस ऑन वन थिंग, कभी आप इसे भी करके देखो. यस प्रभु जी, वंडरफुल एक्सप्लेन द आंसर. थैंक यू सो मच. हैप्पी एकादशी टू ऑल ऑफ यू. प्रणाम प्रभु जी. प्रणाम. प्रतिभा माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके सभी के चरणों में लाखों लाखों प्रणाम. आपने बहुत अच्छा किया ये एकादशी के दिन बताया, बहुत ही अच्छा किया. मुझे एक क्वेश्चन ये है कि चैंटिंग हम लोग करते हैं वो चैंटिंग मन में करेगा तो भी चलता है या जोर से करना चाहिए? मतलब कभी कभी क्या होते हैं बच्चे लोग, क्या आज क्या वो बोलते हैं कि क्या पूरा दिन तेरा वही चलता है, मतलब वो बोलते हैं हम लोग ऐसा करेंगे तो किसी का मतलब ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं तो उनको ऐसा दिक्कत होता है क्या पूरा दिन इसका. अरे कृष्ण, तो मन में चैंटिंग करते हैं तो चलते हैं क्या? बेसिकली प्रोसेस ये है कि हमारे आचार्य ने प्रोसेस दिया है कि थोड़ा जोर से, लिटिल लाउडली, बहुत जोर से भी करने की जरूरत है, लिटिल लाउडली ताकि आप सुन सके. तो प्रोसेस है कि बोलना, हरिनाम जप करना और ध्यान से सुनना. तो कानों का भी उपयोग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. हरिनाम एक मेडिसिन की तरह है जो हमारे हृदय के अनर्थों को दूर करेगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करवाएगा. पर ये मेडिसिन मुख से नहीं, कानों के माध्यम से लिया जाता है. प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कानों के माध्यम से जाना इम्पोर्टेंट है. इसलिए थोड़ा जोर से जप करना इट इज इम्पोर्टेंट. पर अगर आपका ऐसा परिस्थिति है कि आप जप कर रहे हो, परिवार में बहुत कुछ लोग समझ नहीं पा रहे, देन योर एक्स्ट्रा राउंड जो है, आपके जो एक्स्ट्रा राउंड है, थोड़ा आप धीमी अवस्था में ऐसा कर सकते हैं. बट द रिकमेंडेड प्रोसेस इज चैंट एंड हियर, जब करना और सुनना. सुनना इम्पोर्टेंट है. और सुनने के लिए ऐसा चैंटिंग मतलब ये रेडियो पर लगाएंगे तो चलता है ना? थोड़ा लाभ मिलेगा पर आपको मैक्सिमम लाभ के लिए आपको करना पड़ेगा, नहीं तो रेडियो भगवत धाम जाएगा. और प्रभु जी आपने ये भी अच्छा बताया, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, वो भी आपने अच्छा बताया कि ये दूसरे के ऊपर अगर हम लोग परोपकार करते हैं तो हमारे पाप का भी नाश हो जाता है. एग्जैक्टली. परोपकार का मतलब है दूसरों को भक्ति देना, तो सबसे बड़ा परोपकार है. नहीं तो उपकार हो गया, विल बी टेंपरेरी हेल्प. परोपकार मतलब एक्चुअली हेल्पिंग अदर्स. रियल हेल्प मतलब लोगों को कृष्ण भक्ति दे, तो दैट इज अ रियल हेल्प. बाकी भी मदद करना चाहिए डेफिनेटली, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्षमता है तो वो सब करना है. पर साथ ही साथ लोगों को कृष्ण भक्ति हरिनाम देने का प्रयास करना, दैट इज अ बिगेस्ट हेल्प. हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत 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 शुक्रिया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ब्रजी माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. आई वॉज एक्चुअली वेरी लकी टू लिसन टू योर क्लास टूडे, एक्सेलेंट. आई वॉज एक्चुअली एट वर्क बट समहाउ समथिंग हैपेंड एट वर्क एंड आई वॉज एबल टू लिसन टू योर लेक्चर प्रभु जी. मे बी आई रियली पुट थॉट्स इन दैट डायरेक्शन. मुझे एक क्वेश्चन है प्रभु जी रिलेटेड टू वॉट प्रतिभा माता जी एड आस्क्ड. सो व्हेन वी आर चैंटिंग
sometimes what happens is, you know, we are with other people. So just Shravanam and Kirtanam ke liye, just, you know, a question where I chant in my mind, but I listen to Prabhupada ka, you know, the sitting down chanting that is available on YouTube. Rather than listening to my own voice, I definitely want to listen to Prabhupada's voice. So Prabhuji, what are your thoughts on that? And, you know, is that okay? Or should we listen to our own chanting? Hare Krishna. You should listen to your own chanting. Prabhupada's kirtan definitely is very pure. You can play that. Usko aap play kar sakte hain. Very softly you can play it. But Prabhupada's jap should help you focus on your japa. Right? Other than your 16 rounds, if you keep hearing Prabhupada japa throughout the day and you don't have time to chant, that's perfectly okay. But jab aapka jab karne ka samay hai, then you should hear your chanting. That is what Prabhupada wanted. Prabhupada ka ichcha tha ki hum sab apna jab sune. So that is the process. Prabhuji, can you just explain the rationale for that? Kyun, you know, Prabhupada aisa, more because we get discipline and we focus on what we are doing so that we progress in that path. So if you can share your thoughts on that, Prabhuji. Maine just bataya hai ki dekhi hari naam ka labh tabhi milega jab kaanon ke madhyam se hriday mein pravesh karega. The sound, the mantra that we chant has to enter through our ears and then only it will enter our heart and purify. So this is the process. Ye process hai, ye scientific process hai, Mahaprabhu ne iska palan kiya hai, Shad Goswami ne kiya hai, Haridas Thakur ne kiya hai, all of them. Bhaktivinoda Thakur ne kiya hai. Ye jo hum geet ga rahe hain, Bhaktivinoda Thakur subah subah uth ke jo jab karte the, some of his rounds he would chant so loudly, itna zor se karte the, padosi ko sunai deta tha. You chant, literally cry out to Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Us samay unka scope tha, we may not be able to do it so loud, but at least little loud enough that you can hear. Hamare har sab acharya ne kiya hai. Right? Everyone has done this process. So we just follow in their footsteps. Hum unke pachino pe chalte hain. Thank you, Prabhuji. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna, thank you Prabhu, thank you very much for giving your time, giving your association and such a wonderful session Prabhu. I think मुझे लगता है कि ऐसे हम लोग को और कई session करने चाहिए जहाँ पे हम लोग अपने जपा पे focus कर सके, जपा को सुधार सके, because the whole process is to improve in bhakti, और जब तक हम लोग अच्छा जपा नहीं करेंगे हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो जैसे टुडे सम अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ, एंड ये जो डाउट्स थे कि मन में जप करके हम प्रभुपाद जी का सुने, दैट वाज आल्सो समथिंग वंडरफुल. बट एज यू सेड, ये अपना प्रोसेस है कि जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमको सुनना है और जप करना है और उसको सुनना है. सो दिस विल आई थिंक और भी ऐसे कुछ अगर हम लोग जप करते रहेंगे, हम लोग सेशन लेते रहेंगे, तो हमारा डाउट क्लियर होता रहेगा. सो ऐसे प्रार्थना है आपसे प्रभु, ऐसे आते रहिए एंड अपना संग देते रहिए प्रभु. आज हमने भक्तिविनोद ठाकुर के भजन्स गाए, वी सॉ द मूड ऑफ चैंटिंग. सम अदर टाइम हम गुरुजन को के 9 कीज ऑफ जपा डिस्कस कर सकते हैं, सचिदानंद महाराज के लिविंग नेम की पुस्तक से चर्चा कर सकते हैं. वी कैन डू मेनी थिंग्स. श्योर. और ये जो और एक जो चीज आपने कहा कि जो जो आचार्यों के भजन है, स्पेशली भक्तिविनोद ठाकुर महाराज एंड दूसरे नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, लोचन दास ठाकुर हैं, इवन आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड कि जब इनका भजन गाते हैं पूरा, देयर इज सो मच ऑफ क्रक्स, इसमें इतना सार है और उसको अच्छा, उसको मीनिंग समझते हैं हम लोग, तो हम लोग को एक डीपर टेस्ट उसमें मिलता है और ये हमारे जपा को सुधारता है हम लोग को. सो दिस इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड. तो थैंक यू प्रभु, ये और एक टिप है जो हमको सबको फॉलो करना चाहिए. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु. हरे कृष्णा. वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णवंते की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन गुरु वंदे की जय. सचिद गोपाल प्रभु की जय. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम.